ग्वालियर के महाराजबाड़ा में कोर्ट के आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोर्ट के आदेश के तहत नवनिर्माण पर रोक होने के बाद भी गैरकानूनी तरीके से नवनिर्माण किया जा रहा है। ग्वालियर जिले में महाराजबाड़ा ग्वालियर का हृदय स्थल माना जाता है। इस हृदय स्थल में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। ऐतिहासिक इमारतों के आसपास किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग बनाने पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है, लेकिन भूमाफियाओं ने शासन और प्रशासन से साठगांठ कर कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई हैं। महाराजबाड़े पर गैरकानूनी तरीके से नव निर्माण किया जा रहा है। महाराजबाड़े पर स्थित ऐतिहासिक इमारत विक्टोरिया मार्केट के बगल में करोड़ों रुपए की लागत से मार्केट बनाया जा रहा है, जिसका कार्य अभी चल रहा है। जब मीडिया ने ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण सेजवलकर से सवाल किया कि नवनिर्माण की परमिशन कैसे दी गई, तो उन्होंने कहा कि अभी यह मामला उनकी जानकारी में नहीं है, जल्दी इस मामले में वे कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा क्या शासन प्रशासन इन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा या यूं ही गड़बड़झाला चलता रहेगा। जो तो पुरातत्व विभाग है ना विक्टोरिया मार्केट, इस बारे में आपका क्या कहना है, आपकी नॉलेज में है बात? कौन सा निर्माण हो रहा है? ये नई दुकानें बन रही है, मेरी जानकारी में नहीं है। नगर निगम का काम है, वो करें और उसकी परमिशन ली होगी तो मतलब नियम से नहीं हो तो कार्रवाई करें, नियम प्रशासन कार्रवाई करें और जिला प्रशासन कार्रवाई करें, उसके हिसाब से नहीं बन रहा है। नहीं, बाड़े को तो परमिशन मिलती नहीं बनाने की, फिर कैसे बन रही है? अभी नगर निगम वाले बताएं कैसे परमिशन दिए कि नहीं दिए, मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, जानकारी लूंगा मैं। ग्वालियर से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। अरे 55 साल में तुम जो नहीं कर पाए पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने पीआर को छोड़ नहीं सकते।